नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने आपसे कटिंग लगाने की वीडियो शेयर की थी, उसमें ढेर सारे प्रश्न कमेंट में आ रहे हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैडम आपकी लग जाती है कटिंग। मेरी तो नहीं लगती है, लग कर के भी सूख जाती है, पत्ते बनने के बाद भी जब लगाती हूँ उसको दूसरे पॉट में तो ख़राब हो जाती है, क्यों? तो मैंने सोचा कि ढूंढ ढूंढ कर मैंने गलतियां निकालने की कोशिश की है कि आखिर कहां पर गलती हो जाती है हमसे कि कटिंग हमारी ख़राब हो जाती है। तो उसी को मैं आज आपसे शेयर करना चाह रही हूं। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं कि कटिंग लगानी है, कटिंग काटनी है तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो हमारे टूल्स हैं, उसको हमें इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेनी होगी। इसमें कोई बैक्टीरिया वायरस ना लगे रहें, कोई खराबी हमारे कटिंग में ना आए, इसके लिए इसको अल्कोहल में, हाइड्रोजन परऑक्साइड में, डिटॉल में या नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है उससे, किसी से भी आप इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। दोस्तों, ये कटिंग जो है बहुत बड़ी ना लें और बहुत छोटा भी ना लें, कटिंग की साइज सही होनी चाहिए, इस पर ध्यान दें। दोस्तों, कटिंग के नोड आप देखें, एक नोड या दो नोड अक्सर मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, इसलिए जो आप कटिंग ले उसमें कम से कम 4-5 नोड होने चाहिए। तो जैसे मैं एक कटिंग ली हूँ तो इसको मैं यहाँ से काट कर आपको दिखा देती हूँ। ये ऊपर वाले हिस्से हैं तो इनको सीधा काटते हैं और जो नीचे के हिस्से हैं इनको आपको 45 डिग्री के एंगल पर काटने हैं। तीन नंबर पर दोस्तों ये है कि आपको जो कटिंग लेनी है वो एकदम उड़ी ना हो। जैसे आप ये देख रहे हैं एकदम उड़ी हो चुका है, ऐसे ये भी लग जाती है लेकिन इसमें चांसेस कम रहते हैं। थोड़ी सी हरी कटिंग हो तो बेहतर रहता है। साथ ही आपको 4 नंबर पर क्या करने हैं कि इसके पत्ते को आपको रिमूव कर देने हैं। एक दो पत्ते आप छोड़ सकते हो लेकिन और रिमूव करने में भी आपको बहुत सटा कर नहीं करने हैं। यहाँ से आपको थोड़ी दूरी मेंटेन करते हुए इस तरह से आपको पत्ते को रिमूव कर देने हैं। एक दो पत्ते आप छोड़ सकते हो। दोस्तों, ये जो कटिंग है लेनी है आपको, ये आप नोड एरिया इसकी देखें, ये इसकी नोड एरिया है तो इसके जस्ट यहाँ ऊपर से इसको काटनी है। ऐसा नहीं कि बीच से ले लेने हैं, बीच से नहीं लें, नोड एरिया से, जस्ट नोड एरिया से इसको आपको लेने हैं, वो भी आपको 45 डिग्री पर लेने हैं। नीचे वाला हिस्सा 45 डिग्री पर रहेगा। दोस्तों, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, जो कटिंग आप काटे हो 45 डिग्री पर, इसको हाथ से नहीं छूनी है। बार बार ऐसा नहीं कि इसको हाथ से छूनी है, हाथ से छूने से इसमें खराबी आ सकती है, इसलिए इसको हाथ से नहीं छूने हैं आपको। ये 5 नंबर हो गया। आप 6 नंबर पर आपको केयर रखनी है कि जब कटिंग लगाते हैं तो इसके ऊपरी हिस्से को हल्का हल्का रब कर दें। मैं इसको लेके नहीं आई हूँ, अभी मेरा छूट गया है, हल्का सा रब कर दें ताकि जो फंगिसाइड वगैरह हम लगाएं वो अच्छी तरह से इसमें चिपक जाए। फंगिसाइड में आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास कोई फंगिसाइड इस तरह का है तो उसका उपयोग आप कर सकते हो। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपके घर में हल्दी होगी, हल्दी भी आप इसको लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हल्दी भी लगा सकते हो। या फिर यहाँ आप मधु देख रहे होगे, मधु है तो मधु भी आप लगा सकते हो, किसी चीज़ का भी आप उपयोग कर सकते हो। साथ ही ये आप दालचीनी देख लो, अगर नहीं है कुछ, ये दालचीनी आपके घर में है तो इसका भी पाउडर बनाकर आप फंगिसाइड वगैरह से बचने के लिए कटिंग में लगा सकते हो। 7 नंबर पर दोस्तों, ये पत्ते को हटा देनी है आपको।
अगर आप लगे भी रहने दोगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये एनर्जी वेस्ट करते हैं, इसलिए इनके पत्ते को हटा देने हैं। मैं एक हाथ से कर रही हूँ तो गिर रहा है, तो आप पत्ते को हटा दें, एक दो पत्ते छोड़कर आप बाकी पत्ते को रिमूव कर दें। दोस्तों अब सॉइल की बात कर लेते हैं। यहाँ जो मैंने कटिंग लगा के रखी है, इसमें मैंने सॉइल खेत की सॉइल 40% रखी है, सैंड इसमें मैंने 40% रखी है, 20% इसमें कंपोस्ट रखे हैं। ये आपकी हो गई 8 नंबर सॉइल कैसा रखें। दोस्तों ऐसे हर एक आदमी सॉइल रखने में अपना अलग अलग रखता है, लेकिन मैं जो रखती हूँ वही आपसे शेयर करती हूँ। मैं सॉइल में और सैंड में दोनों बराबर 40-40% इसलिए रखती हूँ ताकि पानी इसमें रुके नहीं। तो ये आपको कर लेनी है, साथ ही आपको थोड़े से इसमें नीचे की तरफ सैंड या छोटे टुकड़े पत्थर के टुकड़े या आपको इसमें ईंट के टुकड़े डाल देने हैं। दोस्तों ऐसे मैं सॉइल के बारे में ही बात कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको अलग करके आपको 9 नंबर पर इसलिए बता रही हूँ कि सॉइल केवल सॉइल ही नहीं खेत का हो, बल्कि सूखा हुआ सॉइल हो, जिसमें फंगस वगैरह ना हो, भींगा हुआ सॉइल ना लें, अच्छी सॉइल लें, साथ ही जो कंपोस्ट आप दे रहे हैं वो भी अच्छी रहे। ये चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर सॉइल सूखा हुआ नहीं है तो उसको 1 या 2 दिन पहले सूखा लें। दोस्तों अब ये लगाने की बारी आती है, तो एक कोई टूल आप इस तरह का ले लें और इससे ये सॉइल आप देख रहे होंगे, सॉइल को मैंने पानी डालकर गीली कर ली है और इसमें गीले करने के कारण इसमें जो दबाव पड़ने हैं वो दबाव इसमें नहीं पड़ेंगे। तो इसको पहले एक इंस्ट्रूमेंट कोई ले ले इस तरह का और इससे इसमें होल बना ले इस तरह से, जितनी आपको 1.5-2 इंच नीचे डालनी है उतने होल बनाने के बाद ये आप 45 डिग्री पर डाले हो तो इसको अब आपको इसमें भी लगाने में भी 45 डिग्री लेते हुए इस तरह से कटिंग अगर लगाते हो तो ये ज़्यादा अच्छा है। और बगल की सॉइल को आप अच्छी तरह से दबा दें। दोस्तों इसकी नमी, सॉइल की नमी हमेशा बनी रहे इसलिए आपको इसके पानी को देखते रहना है और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, नहीं तो ये जो हमारी कटिंग है ये समाप्त हो जाएंगी। ये आपका 11 नंबर पर गया। दोस्तों 12 नंबर पर है कि अभी बरसात का समय है, बरसात की तेज़ धार से आपके कटिंग को आपको बचानी है। अगर बहुत तेज़ धार से इसमें लग गए तो आपकी कटिंग समाप्त हो सकती है। दोस्तों 13 नंबर पर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आप जब भी पानी दें कटिंग में तो फुहाड़े से दें, इसमें किसी ग्लास वगैरह से धार के साथ पानी ना दें। 14 नंबर पर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि कटिंग को जो रखनी है आपको, वो आपको धूप में नहीं रखनी है, इसको छाए में आपको रखनी है या जहाँ पर छाए वाली धूप आती होगी वहाँ पर आपको रखनी। दोस्तों 15 नंबर पर है कि आप अगर कटिंग को पानी में ग्रो करते हो, हम लोग अक्सर पानी में भी कटिंग ग्रो करते हैं, जैसे मैं आपको एक यहाँ पर मनी प्लांट दिखा रही हूँ, तो इसमें गलती क्या होती है हमसे कि हम इसको कटिंग को डाल देते हैं ग्रो करने के लिए लेकिन पानी बदलना भूल जाते हैं। तो ऐसा ना करें, जब आप पानी में किसी प्लांट को ग्रो कर रहे हो, कटिंग को ग्रो कर रहे हो, तो पानी उसको बदलना ज़रूरी है, पानी बदल दिया करें। अगर पानी नहीं बदलोगे तो कटिंग आपकी समाप्त हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। 16 नंबर पर दोस्तों ये प्लास्टिक की थैली है, इससे आप चाहो तो अपने पॉट को कवर कर सकते हो, इसे कवर करके रख सकते हो। 17 नंबर पर दोस्तों आप जिसकी भी कटिंग लगाएं, एक कटिंग ना लगाएं, 4-5 कटिंग लगा लें, क्योंकि सारा का सारा ग्रो कर जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब आते हैं 18 नंबर पर, तो कटिंग का ध्यान रखें, ऐसा ना कि कटिंग हिल जाए। कटिंग हिली
इसका मतलब वो आपकी खराब हुई, इस बात का आप ध्यान रखें। साथ ही आप रिपोर्ट करने में कभी भी हड़बड़ाए नहीं, ये आपका 20 नंबर पर है कि जब आपको लगे कि ब्रांच हो गए हैं, पत्ते हो गए हैं, तो भी आप रिपोर्ट करने में हड़बड़ाए नहीं, क्योंकि मैं उसको चलकर आपको शेयर करती हूँ। दोस्तों, ये एक मेरी हर श्रृंगार की कटिंग है, मैंने इसे पहले भी आपसे शेयर की हुई है। तो ये अगर इस तरह से इसमें ब्रांच दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें रूट आ गए होंगे। मैं इसको आपसे शेयर करके दिखलाती हूँ, इसमें कोई जरूरत नहीं है कि रूट आ गए होंगे। आप देखो, इसमें रूट नहीं बने हैं, लेकिन पत्ते हैं। ये क्यों है? ब्रांच है। तो इसमें क्या है आपका कि ये पहले से न्यूट्रिएंट्स जो इसमें थे उससे लेकर ये ब्रांच और पत्ते निकले हैं, रूट अभी नहीं बने हैं। अगर आप जल्दी से इसको निकाल लेते हो तो भी आपकी कटिंग लगाने के बाद, रिपोर्ट करने के बाद समाप्त हो जाती है। दोस्तों, जब हमारे कटिंग ग्रो कर जाते हैं, उसमें ब्रांचेज निकल जाते हैं, तो हम उसको रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने के बाद हमारे मन में जल्दी से जल्दी फ्लावर लेने के, फ्रूट लेने की इच्छा जगती है, जिसके कारण हम सोचते हैं कि इसमें अधिक फर्टिलाइज़र देंगे या अधिक पानी देंगे तो मेरे ग्रो कर जाएंगे, बहुत जल्दी बढ़ेंगे। अक्सर आपके प्रश्न आते भी रहते हैं कि मेरा प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप उसको ग्रो करने दें, घबराएं नहीं, जल्दीबाजी ना करें, और जल्दीबाजी करके ज़्यादा उसमें फर्टिलाइज़र और पानी ना दिया करें। तो इस तरह से मैं समझती हूँ कि इतनी चीज़ों में सतर्कता अगर बढ़ती जाए तो कोई ऐसी बात नहीं बच जाती है जिससे कि हमारे कटिंग ग्रो नहीं होंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर शेयर कर देंगे या लाइक दे दें, ताकि मेरी हिम्मत बढ़े और शेयर करने से आपके अपनों को भी ये जानकारी मिल सके। मैं इसी के साथ चलती हूँ, फिर अगले वीडियो में आप सबों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।